Hello students, welcome to Best Education Classes. In today's video, we will be discussing the chapter Chemical Change and Chemical Bond of 8th Standard Science, chapter number 13. Let's start with the recall session. There are a few questions students jo hum dekhenge isme. First question dekhte hain students. It says, what are the method of classification of changes? ये आपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा होगा, आपके टीचर्स ने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया होगा स्टूडेंट्स कि चेंजेस जो होते हैं उसके अलग अलग मेथड्स क्या होते हैं उसे क्लासिफाई करने के, यानी कि जानने के कि वो किस तरीके के चेंजेस हो रहे हैं. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज? तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बीच में क्या डिफरेंस होता है? क्लासिफाई द फॉलोइंग चेंजेस इंटू फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. तो यहाँ पर कुछ चेंजेस दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, आपको उसे आइडेंटिफाई करना है और बताना है कि वो चेंज जो है वो फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है. जैसे राइपनिंग ऑफ मैंगो, मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर. तो स्टूडेंट्स मेल्टिंग ऑफ आइस जो है वो फिजिकल चेंज है, बॉइलिंग ऑफ वाटर एक फिजिकल चेंज है, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर ये भी एक तरीके का फिजिकल चेंज है, राइपनिंग ऑफ बनाना ये केमिकल चेंज है स्टूडेंट्स. सो ये कुछ तरीके के फाउल स्मेल फ्रॉम स्पॉइल्ड फूड, यानी कि ख़राब खाने में से जो बदबू आती है वो ये एक केमिकल चेंज है. तो ऐसे हमें बस आइडेंटिफाई करना है, एक रिकॉल सेशन है स्टूडेंट्स. ड्यूरिंग एनी केमिकल चेंज कंपोजिशन ऑफ ओरिजिनल सब्सटेंस चेंजेस टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस विद अ डिफरेंट कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी. हाउ टू आइडेंटिफाई केमिकल चेंज? तो स्टूडेंट्स कभी भी कहीं पर अगर केमिकल चेंज होता है तो दो अलग अलग तरीके के केमिकल्स, दो अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स एक साथ में मर्ज होते हैं, उसमें कुछ रिएक्शन होता है और एक नए तरीके का सब्सटेंस तैयार हो जाता है जो जिसका कंपोजिशन, जिसकी प्रॉपर्टीज़, जिसका शेप, साइज, एटॉमिक साइज और सारा कुछ डिफरेंट हो सकता है. सो ये उसका आउटकम निकलता है स्टूडेंट्स कि एक नए तरीके का एलिमेंट तैयार हो जाता है. छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिया है स्टूडेंट्स. एक्सपेरिमेंट से पहले हम इन फोटोज़ को देखेंगे. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर्स एक एप्पल है. एप्पल का एक साइड आपको जो दिख रहा है वो एकदम क्लीन है, दूसरा साइड जो है एप्पल का स्टूडेंट्स वो आपको ब्राउनिश दिख रहा होगा. तो स्टूडेंट्स आप में से बहुतों को पता होगा कि ये जो ब्राउन पार्ट होता है स्टूडेंट्स, एप्पल में जो आयन होता है वो हवा के साथ रिएक्ट करके रस्ट लग जाता है उसमें. यानी कि जिस तरीके से आपके लोहे के ग्रिल में या फिर अलग अलग जो लोहे के आयरन के जो सब्सटेंस होते हैं उसमें रस्ट लग जाता है, कुछ उसी तरीके से रस्ट लग जाता है. एक तरीके का केमिकल चेंज है. देन यू कैन सी अ ब्रेड ओवर हियर. ब्रेड भी अगर आप कुछ दिन छोड़ दो तो उसमें फंगस लग जाता है. देन ओवर हियर यू कैन सी सम नेल्स. ये फ्रेश नेल है और ये ऐसा नेल है जो कुछ दिन हवा के और पानी के कांटेक्ट में रहा है तो इस पर भी रस्ट लग गया है. अब जो मैच बॉक्स स्ट्राइक करते हो स्टूडेंट्स, तो जो मैच स्टिक होती है उस पर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ब्राउन कलर का या ब्लैक कलर का कोई केमिकल लगा हुआ होता है और जो उसकी स्ट्रिप होती है जिसपे हम उसे रब आउट करते हैं उस स्ट्रिप पर भी कुछ ब्राउन केमिकल होता है. सो बेसिकली जब हम उस मैच स्टिक को मैच बॉक्स से स्ट्रक करते हैं तो एक तरीके का केमिकल रिएक्शन होता है हीट की वजह से जिससे वो स्टिक बर्न करने लगती है. फिर यहाँ आप देख सकते हैं एक बनाना राइप हुआ है, धीरे धीरे वो बनाना ऐसे ही ब्राउन होता हुआ चला जाता है और ख़राब हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है. यह यू कैन सी फ्यू फनल्स. इन फनल में कुछ केमिकल्स हैं जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके अलग अलग तरीके के गैसेस, कलर और सब्सटेंस रिलीज कर रहे हैं. सो ऐसे केमिकल चेंजेस आपने अपने आसपास बहुत देखा होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कहीं सिटी में रहते हैं या इवन विलेजेस में रहते हैं तो आपने देखा होगा जो आपकी इन्वर्टर की बैटरीज होती है, कार की जो बैटरीज होती हैं उसमें से जो एसिड गिरता है, जब वो एसिड किसी आयन पे या आपके फर्श पे गिर जाए, टाइल्स पे गिर जाए तो इट स्टार्ट्स टू बॉयल अप, वो गैस रिलीज करने लगता है, उसमें बबल्स आने लगते हैं. तो वहाँ पर भी इसी तरीके का कुछ केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस. लेट्स सी द एक्सपेरिमेंट. टेक द लेमन जूस इन अ क्लीन ग्लास. Take two drops of lemon juice in a spoon and taste.
Add a pinch of baking soda in the glass of lemon juice. Did you notice bubbling around the particles of soda? Did you hear a sound on taking your ears near the glass? Now, again taste it. Did it taste as sour as it was in the beginning? So the experiment says कि आपको एक lemon juice लेना है और उसमें से कुछ drops लेके आपको पहले taste करना है. तो as जो lemon होगा वो थोड़ा sour होगा, फिर उसके बाद आपको बेकिंग सोडा यानी कि जो आप घर में खाने के लिए जो सोडा यूज़ करते हैं आपके फूड वगैरह में, वो सोडा आपको लेना है और उस लेमन जूस में आपको उसे ऐड कर देना है. जैसे आप ऐड करोगे स्टूडेंट्स, आप नोटिस करोगे कि वहाँ बबलिंग हो रही है, लेमन जूस में से कुछ बबल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं एंड फिर आपको उसे टेस्ट करना है. तो जब आप उसे टेस्ट करोगे तो आपको क्या डिफरेंस आ रहा है वो हमें बताना है. मैनी प्रिसीवेबल ऑब्जर्वेशन आर नोटिस्ड during the above activity. As a gas is seen in the liberating in the form of bubbles, a low sound is heard, a white solid particles of baking soda disappear. तो ऊपर वाला जो एक्सपेरिमेंट हम करेंगे लेमन वाला, तो उसमें हम नोटिस करेंगे कि बबलिंग हो रहा है यानी कि गैस रिलीज हो रही है, साउंड आ रहा है जब बबल्स बर्स्ट करते हैं तो साउंड आता है, और जो वाइट कलर का बेकिंग सोडा होता है वो लेमन में जाता ही डिसअपियर हो जाता है, वो डिजॉल्व होकर टोटली इनविजिबल हो जाता है. फिर और क्या चेंज आता है स्टूडेंट्स, द ओरिजिनल सोर टेस्ट बिकम्स माइल्ड एंड डिसमिशस. जो टेस्ट है सॉरनेस उसका वो ख़त्म हो जाता है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है. फ्रॉम दिस इट इज़ अंडरस्टूड दैट अ न्यू सब्सटेंस हैविंग अ डिफरेंट टेस्ट इज फॉर्म्ड. तो इससे हम ये कंक्लूजन कर सकते हैं कि एक नए तरीके का सब्सटेंस फॉर्म हो गया है जिसकी सारी प्रॉपर्टीज़ कुछ अलग है, उसका टेस्ट अलग है, उसका कलर थोड़ा चेंज है. जैसे स्टूडेंट्स आपने नोटिस किया होगा, आप अपने ड्राइंग क्लास में जब आप ड्राइंग बना रहे होते हैं और आपके पास कोई कलर पर्टिकुलर ख़त्म हो जाता है, तो आप बेसिकली क्या करते हो, आप दो कलर्स को लेते हो और उन दो कलर्स को लेके आप ऐड करते हो, उससे एक नया कलर फॉर्म हो जाता है. कुछ इसी तरीके से इस कुछ ऐसा ही चेंजेस होते हैं केमिकल्स में भी, दो केमिकल्स साथ में आकर एक नए तरीके का केमिकल बनाते हैं. एट द एंड ऑफ द अबाउ चेंज द टेस्ट ऑफ द सब्सटेंस वॉज डिफरेंट, मीन्स इट्स कंपोजिशन वॉज डिफरेंट. तो टेस्ट में डिफरेंस आ गया और बाकी सारे क्वालिटीज़ प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस आ गई, यानी कि उसका जो कंपोजिशन है, उसकी जो बनावट है वो भी बदल गई है टोटली. थस ड्यूरिंग द अबाउ चेंज द कंपोजिशन ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस चेंज टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस विद अ डिफरेंट प्रॉपर्टी. थस द चेंज दैट टेक प्लेस ऑन एडिंग बेकिंग सोडा टू द लेमन जूस इज अ केमिकल चेंज. समटाइम्स सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जर्वेशन आर रिसीव्ड ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज. तो नया तरीके का कंपोजिशन हो गया है, नए प्रॉपर्टीज़ आ गए हैं, तो ये जो चेंज है वो एक तरीके का केमिकल चेंज है जिसमें हमने जस्ट दो सब्सटेंस को ऐड किया बिना किसी तरीके का फिजिकल फोर्स लगाए, और वो बस केमिकल्स दोनों आपस में रिएक्ट होकर एक नए तरीके का केमिकल रिलीज कर देते हैं. दिस अनेबल अस टू नो दैट अ केमिकल चेंज हैज़ टेकन प्लेस. सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन आर एनलिस्टेड इन द टेबल 13.1. तो ऑलरेडी हमने 13.1 देख लिया स्टूडेंट्स, और ये सारे केमिकल रिएक्शन से हम ऑलरेडी फेमिलियर हैं, दैट हाउ डज इट टेक्स प्लेस एंड व्हाई डज इट हैपन्स मोस्ट ऑफ वी नो. सो विल मूव टू द नेक्स्ट प्लेस, सॉरी नेक्स्ट पेज, केमिकल चेंज एंड वर्ड इक्वेशन. सो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कुछ इस तरीके का वर्ड इक्वेशन. ये वर्ड इक्वेशन हमको कैसे करना है, हम इस पैराग्राफ में ये सीखने वाले हैं. During a chemical change, the chemical composition of the original matter changes and new substance having different properties and different chemical composition are formed. A chemical equation can be written from a chemical change if the exact change in chemical composition is known. तो कभी भी हम जब दो chemicals को लेके, original chemicals को लेके और उसका reaction करते हैं, तो उस reaction से एक नए तरीके का chemical बनता है students. और वो जो केमिकल होता है उसकी जो बनावट होती है, उसका जो कंपोजिशन होता है वो टोटली डिफरेंट होता है, उसके प्रॉपर्टीज़ अलग होते हैं. एंड अगर हमें उस केमिकल इक्वेशन का पता है केमिकल चेंज कैसे हो रहा है, तो हमें उसका नेम्स एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस एंड न्यूली फॉर्म्ड सब्सटेंस आर यूज्ड व्हाइल राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन. तो जो हम दोनों केमिकल्स यूज़ करेंगे या जितने भी केमिकल्स उस एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व होंगे, उन सब का हमें
केमिकल फॉर्मूला लिखना होता है, नाम लिखना होता है स्टूडेंट्स, एंड आफ्टर राइटिंग दैट दोज नेम्स एंड केमिकल फॉर्मूला एज इफ जैसे यहाँ लिखा हुआ है, तो जो भी रिएक्शन टेक प्लेस हो रहा है और उससे जो भी नया सब्सटेंस बन रहा है उसका केमिकल फॉर्मूला भी कुछ हमें ऐसे लिखना होता है, यही होता है आपका वर्ड इक्वेशन. फॉर एग्जाम्पल, when baking soda is added to lemon juice, a chemical change takes place in the citric acid present in the lemon juice and the gas formed is carbon dioxide. The word equation can be written for this chemical reaction as follows. So, जैसा कि आप जब lemon juice और baking soda को merge up करते हो, mix करते हो, तो citric acid के साथ में उसका reaction होता है और उससे carbon dioxide form होता है. सो कुछ इस तरीके से वो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस होता है. सी ओ भैया, सिट्रिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिससे रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम सिट्रिक एसिड. तो इस तरीके से आपको वो वर्ड इक्वेशन लिखना होता है स्टूडेंट. नाउ विल सी सम केमिकल चेंजेस जो हमारे डे टू डे एवरीडे लाइफ में टेक प्लेस होता है. केमिकल चेंजेस इन एवरीडे लाइफ, we find many examples of chemical changes in our surrounding body, home and laboratory. Let us see some chemical changes for which word and chemical equation can be written easily. तो हम इस पैराग्राफ में स्टूडेंट्स देखेंगे कुछ केमिकल रिएक्शंस जो हमारे आसपास हर रोज़मर्रा की लाइफ में होता है, हमारे सराउंडिंग में, हमारे बॉडी के अंदर, हमारे घर पे या स्कूल के लैब में. सो विल सी नेचुरल केमिकल चेंजेस. फर्स्ट इज रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन यानी कि हाँ, जो हम सांस लेते हैं, जो ब्रीदिंग करते हैं वो. सो लेट्स सी इसमें क्या केमिकल चेंजेस टेक प्लेस होते हैं. रेस्पिरेशन इज़ अ कंटिन्यूस ऑकरिंग बायोलॉजिकल प्रोसेस. दैट्स ट्रू स्टूडेंट्स. राइट फ्रॉम द मोमेंट वी आर बॉर्न टिल द मोमेंट ऑफ डेथ, जो रेस्पिरेशन होता है वो कंटिन्यूस होता है, नॉन स्टॉप होता है. चाहे आप सो रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं, आप कोई भी प्रोसेस करो, कोई भी एक्शन करो, ये जो प्रोसेस है ये नॉन स्टॉप चलते रहता है और ये एक तरीके का बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो हमारे बॉडी में टेक प्लेस होता है. इन दिस प्रोसेस वी इनहेल द एयर एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर. ये जो प्रोसेस होता है उसमें हम एयर को इनटेक करते हैं. यस, हम सब जानते हैं कि हम ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं स्टूडेंट्स, बट हमारा जो नोज़ होता है वो ऑक्सीजन को अलग नहीं कर पाता. ये जो ऑक्सीजन को अलग करने की जो प्रोसेस होती है वो हमारे लंग्स में होती है. हमारे लंग्स सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को ही ऑब्जर्व करते हैं, बाकी का जो एयर होता है वो लंग्स में ही रह जाता है. और हम एक्सहेल करते हैं यानी कि बाहर छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके साथ में हमारी बॉडी का जो हीट होता है उसकी वजह से थोड़ा वाटर वेपर भी रिलीज होता है सांस के थ्रू. फॉर एग्जाम्पल, आप जब अभी कोविड के टाइम पे आप लोगों ने मास्क लगाते होंगे तो आपने ये रियलाइज़ किया होगा, आप मास्क लगाकर अगर आप ग्लासेस लगाते हो, चश्मा पहनते हो, तो उस ग्लासेस पे कुछ वेपर्स जब भी आप एक्सहेल करते हो तो कुछ वेपर्स आ जाते हैं. या फिर आप सिंपली अगर एक ग्लास का पीस लेके अपने माउथ के सामने रखे हो और मुंह से अगर आप सांस छोड़ो तो उसके ऊपर भी वाटर वेपर्स बैठ जाएंगे. आफ्टर एन इन डेप्थ स्टडी इट इज़ लर्न दैट ग्लूकोज इन द सेल रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन दैट इज़ इनहेल्ड फ्रॉम द एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो जब हमने डीप में स्टडी किया तो हमें पता चला जो हमारे बॉडी में ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है, और रिएक्ट होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होता है, हमारे सेल्स में से रिलीज होता है. द वर्ड इक्वेशन एंड द केमिकल इक्वेशन ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन आर एस फॉलोज. तो एक सिंपल सा केमिकल रिएक्शन और वर्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन है यहाँ पर स्टूडेंट्स, जिसमें हम देखेंगे ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्रोसेस हो रहा है रेस्पिरेशन का एंड रिलीज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. और केमिकल इक्वेशन में हमें उसका केमिकल फॉर्मूला लिखना होता है. जैसे ग्लूकोज का है C6H12O6 प्लस O2 यानी कि ऑक्सीजन, उससे CO2 फॉर्म होता है और H2O यानी कि वाटर फॉर्म होता है. तो ये सारा जो चीज़ है वो कहीं और से नहीं आ रहा है, ये जो हमारा केमिकल कंपोजिशन है उसमें अगर आप देखो तो उसमें सी भी अवेलेबल है, ओ भी अवेलेबल है जिससे CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, और एच भी है, सिक्स भी है. तो अगर हम इसे कैंसिल करें स्टूडेंट्स तो कैंसिलेशन में हमें यहाँ पर टू आता है, तो जिससे फॉर्म होता है H2O.
नेक्स्ट देखते हैं फोटोसिंथेसिस. यस, फोटोसिंथेसिस यानी कि वही प्रोसेस जिससे प्लांट्स और ट्रीज अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, जो उसके प्लांट के पत्तों में, लीव्स में होता है रिएक्शन. यू नो दैट ग्रीन प्लांट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन सनलाइट. अ वर्ड इक्वेशन एंड केमिकल इक्वेशन दैट इज अनबैलेंस्ड एक्चुअली कैन बी रिटर्न फॉर दिस नेचुरल केमिकल चेंजेस एज फॉलोज. तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, हमने एक शॉर्ट में तो स्टडी कर लिया स्टूडेंट्स, बट मैं फिर से एक बार रिपीट करूँगा. फोटोसिंथेसिस में जो प्लांट्स के लीव्स होते हैं वो सनलाइट के मदद से अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं, प्लांट के फूड को प्रोसेस करते हैं. तो इसका केमिकल इक्वेशन और वर्ड इक्वेशन हम देखेंगे. वर्ड इक्वेशन है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. ओके, क्योंकि फूड्स को, प्लांट्स को अपना फूड बनाने के लिए ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है. प्रोसेस क्या हो रहा है उसमें, सनलाइट के हेल्प से ग्लूकोज और ऑक्सीजन फॉर्म होता है. ग्लूकोज प्लांट यूटिलाइज कर लेता है एज इट्स फूड, और ऑक्सीजन एयर में रिलीज हो जाता है. केमिकल रिएक्शन देखो, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी कि वाटर, उससे रिलीज हो रहा है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. ओके, सेम प्रोसेस है. अब हम देखेंगे मैन मेड केमिकल चेंजेस, यानी कि ह्यूमन बींग्स ने क्या क्या केमिकल चेंजेस लाया है. वी ब्रिंग अबाउट मैनी केमिकल चेंजेस फॉर आर यूज़ इन एवरीडे लाइफ. हम अपने रोज़मर्रा की लाइफ में, एवरीडे लाइफ में बहुत सारे अलग अलग तरीके के केमिकल चेंजेस करते रहते हैं जाने अनजाने में. लेट अस सी सम ऑफ देम. द केमिकल चेंज दैट वी सॉ इन द फर्स्ट एक्टिविटी इज यूज्ड इन द कोल्ड ड्रिंक कॉल्ड सोडा लेमन. इट इज़ एन यूजफुल मेथड मैन मेड केमिकल चेंज. तो ये जो हमने सोडा को और लेमन को मिक्स किया, कुछ इसी तरीके से सोडा लेमन कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक बनाया जाता है, एक यूज़फुल मैन मेड केमिकल चेंज है. नेक्स्ट है कंबशन ऑफ फ्यूल, यानी कि जो हम लकड़ियाँ जलाते हैं, पेट्रोल डीजल को जलाते हैं, कुकिंग ऑयल कुकिंग गैस यूज़ करते हैं, उसके कंबशन में कौन सी प्रोसेस होती है. वुड कोल पेट्रोल एंड कुकिंग गैस आर बर्न्ड फॉर गेटिंग एनर्जी. उससे हमें हीट एनर्जी मिलती है स्टूडेंट्स, जिससे हम अपने खाने को खाना बना सकें, या जिससे हम अपने गाड़ियों को चला सकें, इंजन्स को चला सकें. द कॉमन सब्सटेंस दैट बर्न्स इन ऑल दिस फ्यूल्स इज कार्बन. इसमें कार्बन की बर्निंग होती है. ड्यूरिंग द कंबशन प्रोसेस कार्बन कंबाइन विद ऑक्सीजन इन एयर एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड. तो इस प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है और हवा में रिलीज होता है. अ कॉमन इक्वेशन कैन बी रिटर्न फॉर ऑल दिस कंबशन प्रोसेस एज फॉलोज. तो इनके लिए एक सिंपल सा हम वर्ड इक्वेशन लिख सकते हैं, जिसमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है. कार्बन का केमिकल इक्वेशन है C, ऑक्सीजन का O2 है, जिससे CO2 फॉर्म होता है. नेक्स्ट है, मैं आपको बहुत शॉर्ट में इसे बताऊंगा, आपने अपने डे टू डे लाइफ में बहुत बार इसे देखा होगा. जो शाहाबाद टाइल्स होते हैं, यानी कि आपके घर में का कोई भी टाइल हो, मार्बल हो, उसे आपकी मॉम या घर की जो मेड होती हैं वो डाइल्यूटेड एसिड से साफ करते हैं. वो जो डाइल्यूटेड एसिड होता है स्टूडेंट्स, वो हमारे टाइल्स के साथ में जो गंदगी होती है उसके साथ में रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करके उस सारा जो गंदगी होता है उसे क्लीन कर देता है. ओके, इसका केमिकल कंपोजिशन क्या होगा. अब जो टाइल्स होते हैं वो बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट से. एसिड जो होता है वहाँ, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कंसिडर किया है, जो कि बहुत पावरफुल एसिड होता है. सो, जब ये दोनों साथ में रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म होता है, और ये एक तरीके का अनबैलेंस्ड रिएक्शन है. अनबैलेंस्ड इसलिए कि इस रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अलावा फर्श पे या उस टाइल्स पे बहुत अलग अलग तरीके की गंदगी होती हैं, जो इस केमिकल रिएक्शन में रिएक्ट करने में टेक प्लेस करती हैं, वो भी इन्वॉल्व हो जाती हैं, जो इस
केमिकल रिएक्शन को अनबैलेंस कर देती हैं. नेक्स्ट इज सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर. जो गंदा पानी होता है, जो काफ़ी अनफिल्टर्ड वाटर होता है, उसे सॉफ्ट करने में क्या प्रोसेस होता है हम वो देखेंगे. सम वेल्स और ट्यूब वेल्स हैव हार्ड वाटर. इट इज़ ब्रैकिश टू टेस्ट एंड डज नॉट फॉर्म लेदर विथ सोप. कुछ जो पानी होता है किसी वेल का, किसी ट्यूब वेल का, इवन बारिश का जो पानी होता है वो हार्ड वाटर होता है. उसका टेस्ट काफ़ी ब्रैकिश होता है, काफ़ी उदास सा होता है. एंड अगर आप उसमें सोप को लेदर करने की कोशिश करो तो उसे झाग भी प्रोड्यूस नहीं होता है. दिस इज़ बिकॉज हार्ड वाटर कंटेन्स द क्लोराइड एंड सल्फेट सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इज डिसॉल्व्ड इन डिसॉल्व्ड स्टेट. तो ये इसलिए होता है क्योंकि उस पानी में क्लोराइड, अलग अलग तरीके के सॉल्ट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के डिसॉल्व होते हैं, जो उस पानी को काफ़ी हार्ड बना देते हैं. वो हमारे हेल्थ के लिए भी काफ़ी हजार्डस होता है. टू सॉफ्टन द हार्ड वाटर अ सोल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इज़ एडेड टू इट. तो इस पानी को सॉफ्ट करने के लिए, यानी कि इसके अंदर का जो सॉल्ट है उसे बैलेंस करने के लिए, इसमें वॉशिंग सोडा को मिक्स किया जाता है, जिससे ये पानी काफ़ी ठीक हो जाता है, जिसे हम अपने डे टू डे लाइफ के लिए यूज़ कर सकते हैं. पीने के लिए तो नहीं, पर आप उससे अपने कपड़े धो सकते हो और बाकी के काम भी कर सकते हो. दिस रिजल्ट इन अ केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म द प्रिसिपिटेट ऑफ इनसॉल्युबल कार्बोनेट सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. एज द डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड द मैग्नीशियम गो आउट इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट ऑफ द कार्बोनेट सॉल्ट द वाटर इज सॉफ्टन्ड. द फॉलोइंग इक्वेशन कैन बी रिटर्न फॉर दिस केमिकल चेंज. तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो हमारा वॉशिंग सोडा होता है वो डिसॉल्व्ड कैल्शियम और मैग्नीशियम को हार्ड करके उसे, मीन्स हार्ड जो फॉर्म में होता है उसे रिएक्ट करके उसे न्यूट्रल कर देता है, सॉफ्ट कर देता है, जिससे वो पानी हम यूज़ कर सकते हैं. वर्ड इक्वेशन देखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर हम उसका. कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट. अब इससे क्या होता है, इस रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड फॉर्म होता है, जो कि बैलेंस्ड होता है. सो ये है उसका केमिकल इक्वेशन. अब ये भी जो इक्वेशन है स्टूडेंट्स, ये अनबैलेंस्ड है, बिकॉज जो वाटर है उसके अंदर और भी इम्प्योरिटीज़ डिसॉल्व हो सकती हैं, जिससे हमारा जो इक्वेशन है वो एक्चुअल में चेंज हो जाएगा. राइट वर्ड एंड केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल चेंज टेकिंग प्लेस इन मैग्नीशियम सॉल्ट ड्यूरिंग द सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर. वी सॉ दैट कंपोजिशन ऑफ मैटर चेंजेस ड्यूरिंग द केमिकल चेंज एंड न्यू सब्सटेंस हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड. व्हेन दिस हैपन्स सम केमिकल बॉन्ड इन द reactant break and new substance called product are formed by formation of new chemical bonds. So हमने देखा students कि कैसे एक नए chemical को add करने से दो chemicals के बीच में कैसे reaction होता है और उस reaction में एक नए तरीके का product तैयार हो जाता है. We have also seen in the chapter composition of matter that the number of chemical bond formed by one atom is its वैलेंसी. नाउ लेट अस सी व्हाट इज़ अ केमिकल बॉन्ड. तो प्रीवियस चैप्टर कंपोजिशन ऑफ मैटर में आपने स्टडी किया है कि कैसे केमिकल बॉन्ड से एक एटम जो फॉर्म होता है उसे वैलेंसी होता है. कुछ उसी केमिकल बॉन्ड वी हैव सीन द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एंड वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इन द चैप्टर इनसाइड द एटम. Noble gases do not form any chemical bond as their electron outlets and duplet is complete while the atoms with incomplete electron outlet duplet form chemical bond. The reason for this is that an atom uses its valency electrons during formation of chemical bond. Moreover, on forming chemical bond equal to its valency,
the atom attains the electronic configuration to complete octet and duplet. Students, जो noble gases होते हैं वो अपने आप में complete होते हैं, तो वो किसी भी दूसरे chemical के साथ में react नहीं करते हैं, because उसका जो atom होता है उसकी जो formation होती है वो पूरी तरीके से completed होती है. But बाकी जो chemicals होते हैं वो अपने duplets या फिर outlets produce करने के लिए, सो इसमें भी स्टूडेंट्स दो टाइप के बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड एंड सेकंड होता है कोवेलेंट बॉन्ड. ये दोनों अलग अलग तरीके के बॉन्ड होते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें केमिकल कंपोजिशन की जो टेंडेंसी होती है, उसका जो प्रॉपर्टी होता है रिएक्शन का, वो सब कुछ बहुत ही डिफरेंट होता है. लेट्स सी, हम यहाँ से देखेंगे. द केमिकल फॉर्म्ड ड्यूरिंग एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज कॉशन एंड आयन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड. तो ये एक तरीके का अट्रैक्शन होता है जो अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स के बीच में बनता है, और इससे ये बॉन्डिंग स्टार्ट होती है. जैसे अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, एक में नेगेटिव चार्ज है दूसरे में पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे और रिएक्शन टेक प्लेस करेगा. ये आयनिक बॉन्ड हो गया स्टूडेंट्स. एंड कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है, ये जनरली व्हेन टू एटम्स ऑफ टू एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज कंबाइन, तो दोनों में सेम प्रॉपर्टी होती है. जैसे अगर दोनों एटम पॉजिटिव चार्ज हैं तो ये दोनों साथ में कंबाइन हो जाएंगे और इसके बीच का रिएक्शन होगा ऐसे. स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर इज बीन ऑलरेडी अपलोडेड इन द चैनल. मैंने बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करने के लिए ट्राई किया है कि बिना कंफ्यूज हुए आप कॉन्सेप्ट्स को इजीली समझ जाओ. एक बार प्लेलिस्ट आप देख लेना क्वेश्चन आंसर्स के लिए. इफ़ द वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू, प्लीज़ click on the like button, subscribe to the channel, and please do comment for more such videos. Thank you. Keep watching Best Education Classes.